65वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मेवाड़ नारी गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रबंधन अध्ययन संकाय और राजस्थान के स्वच्छ भारत मिशन के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में 50 से अधिक महिलाओं का सम्मान किया गया। आयोजक एवं प्रबंधन संकाय के निदेशक डॉ. मीरा माथुर ने बताया कि सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान के संयोजक के गुप्ता थे, तो वहीं अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी ने की। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर राजश्री गांधी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य कौशल के बल पर मुकाम हासिल करने के साथ समर्पित जीवन से दूसरों को प्रेरणा देने वाली 50 से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उदयपुर की DYSP चेतना भाटी को उपरना उड़ाकर विशिष्ट सम्मान दिया गया। इसके साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर भावना व्यास को सम्मान मिला। शिक्षा जगत से डॉक्टर डॉली मोगरा, ब्यूटिशियन दीप्ति गन्ना, खेल जगत से श्रेया सिंह के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के गुप्ता ने कहा कि महिलाएं अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। DYSP चेतना भाटी ने कहा कि महिलाएं अगर ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। राजश्री गांधी ने कहा कि महिलाओं का जितना सम्मान किया जाए कम है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर मीरा माथुर ने सभी को धन्यवाद दिया। मैम, मेरा एक सवाल आपसे और था कि क्या महिलाएं मात्र एक ही दिन सम्मान की अधिकारी हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो तो रोज ही सम्मान की अधिकारी हैं। अगर हम ये कहें कि भाई एक महिला जिस हिसाब से प्रबंधक संभाल रही है, जननी है। देखिए, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो सारी महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन जो काम एक जननी, जो एक मतलब भगवान ने प्रदत्त उनको दिया, वो पुरुष नहीं कर सकते। तो वो तो वैसे भी देवी शक्ति और सम्मानित है समाज के अंदर। वो जब जननी है तो वैसे ही वात्सल्य है उसके अंदर, और वो पूरा वात्सल्य अपने परिवार को देती है। तो मैं सोचती हूँ कि वो एक दिन नहीं है, रोज के लिए हमारी सम्मानित है। और हम तो कहते हैं कि जिस परिवार के अंदर अगर महिला का सम्मान होता है, तो वो वैसे भी परिवार अपने आप में सर्वशक्तिमान और सक्षम बनता है। मैम, ऐसा कहा जाता है कि जब भी इस तरह का समाज में कोई कार्यक्रम होता है, वो समाज तक एक संदेश पहुंचाता है। तो आज आपका क्या कहना है कि इस कार्यक्रम से समाज में महिला पुरुषों में क्या संदेश जाएगा? देखिए, मैं अगर एक बराबरी बात कहूँ तो देखिए, हम कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं महिलाएं, है ना। हम न तो कंधे से कंधा मिलाकर, ना हमें आगे जाना है ना हमें पीछे देना है, हमें परिवार केंद्र। और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण, मैं कहती हूँ परिवार सशक्त होना चाहिए। अगर परिवार सशक्त है तो अपने आप महिला सशक्तिकरण। अभी एक जो फेमिनिस्ट का चल रहा है कि नहीं भी संडा कि नहीं, आप ये कहिए क्रिया प्रतिक्रिया दोनों आवश्यक है, जब मैं सोचती हूँ। लेकिन संयम और सभ्यता का दामन भी नहीं छूटना चाहिए। बेटियाँ बच रही हैं, बेटियाँ पढ़ भी रही हैं, लेकिन भावना कहीं ना कहीं ये है कि सम्मान के साथ में बेटियाँ बस नहीं रही हैं। इस पर हमें बहुत ही बड़ा एक विचार करना चाहिए, और मैं इस पर काम कर रही हूँ। सबसे बड़ी है कि परिवार के अंदर शिक्षा है, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो वो हमारा एक तरह से बिना पानी का पौधा है। नारियों को कुछ भी चीज़ विरासत में नहीं मिली, विरासत तैयार करनी होती है। और जब विरासत तैयार करनी होती है तो उन्हीं दो लाइनों के साथ में कि इलायची के दानों सा मुकद्दर है मेरा, महक उतनी ही बढ़ती गई जितने पिसते गए हम, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मैं सलाम करती हूँ उन महिलाओं को जो 8 घंटा अपनी नौकरी भी ड्यूटी भी निभा रही हैं, और इसके बाद में अपना परिवार समाज भी देखती हैं। और आज महिलाएं आर्थिक स्थिति का संबल तैयार हो रही है परिवार के लिए। बहुत बड़ी बात है कि जब महिला बराबर की भागीदारी है, तो उसमें कतई दो राय नहीं कि हमारा देश पुनः एक विश्व गुरु बनने में कहीं पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि देश की आधी आबादी अगर मात्र शक्ति है, वो शिक्षित और संस्कारित है। मान सिर्फ 8 मार्च तक या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक ही सीमित है? देखिए, इसका जवाब बहुत अच्छा जवाब है। महिला सदैव पूजी जाती है, और महिला का सम्मान कोई तारीख में तारीख नहीं मानता। जिस भी तारीख को जो भी सूटेबल हो, हम कभी भी मातृ शक्ति का सम्मान कर सकते हैं। महिला को देवता के रूप में पूजा जाता था, कुछ समय में जरूर अपवाद रहा, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति ये है कि देखिए, आज पूरे देश के अंदर
और देश के बड़े बड़े नेता जब भाषण देते हैं तो मातृशक्ति कहकर महिला को संबोधित करते हैं। मातृशक्ति अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, और मैं ये मानता हूँ कि महिलाओं का जितना सम्मान किया जाए उतना कम, उसके रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट ही नहीं, उसकी सकारात्मकता हम स्वयं देख रहे हैं, और मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है। हर क्षेत्र में महिला का बहुत बड़ा योगदान है। अगर पुरुष की जिंदगी की बात करूँ, पुरुष जन्म लेता ही कैसे अगर महिला नहीं होती। हम महिला की बदौलत ही तो आज हम माँ की बदौलत, महिला की बदौलत हम आज हैं। और मैं ही नहीं, पूरा देश अगर ये कह सकते हैं कि ये महिला की त्याग तपस्या और उसी का परिणाम है कि मनुष्य जीवन आज मनुष्य जी रहा है। और जहाँ तक सवाल है मातृशक्ति का, मातृशक्ति हर क्षेत्र में अब आगे आ रही है, और मैं क्योंकि आज मातृशक्ति का हमने सबने मिलकर सम्मान किया है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्योंकि मुझे जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक आदिवासी आंचल में काम करने का मौका मिला, और उस शहर की छोटी से छोटी लड़की कह सकता हूँ और बड़ी से बड़ी महिला और बुजुर्ग महिलाओं ने जो आशीर्वाद दिया, उसकी बदौलत आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर चुका हूँ। और मेरा काम और मेरा विजन देश के हर एक व्यक्ति के जवान पर आया, क्योंकि हम स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता से जुड़े हुए लोग हैं जिसमें मातृशक्ति का सबसे बड़ा योगदान। सर, मेरा सवाल यही था आपसे अगला, कि जो स्वच्छ भारत मिशन आप चला रहे हैं, जिसके लिए आपको सभी धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा काम किया है जो जिसने मतलब देश में आपका नाम और स्वच्छता का नाम हुआ है, तो सर इसी को आप मातृशक्ति से जोड़ते हुए कैसे आगे हमारे तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, घर का कचरा, देखिए माताओं का कितना बड़ा योगदान है कोई समझ नहीं पा रहा है। और अगर स्वच्छ भारत मिशन में हमने बच्चों और बच्चों के माता पिताओं से स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा और सफलता प्राप्त। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर, और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।